उन्होंने दो मीटिंग्स की जिसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। नहीं भाई माइक करीब कर लें, आवाज कम आ रही है। माइक करीब कर लें। उस वक्त हासिल किया कि हमने वहां गुफ्तगू में बल्कि तहरीरी तौर पर उस वक्त मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर कराची को 100 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दें उस वक्त। और फिर उसके लिए सिर्फ यहाँ तकरीर नहीं की थी बल्कि तमाम मेंबरान असेंबली तक ये बात भी पहुंचाई थी, मुसलसल मुतालबा किया था, मुहिम चलाई थी, एहतजाज किया। उसके बाद अभी पिछले साल ये इस मालियाती साल का जब बजट पेश हो रहा था, अमीर जमात चूंकि जाहिर है इन्होंने किया भी है, पेश भी किया है, तमाम लोगों से बात भी की है, लेकिन कुछ इनके सारी से भी काम ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने मुतालबा किया कि 500 अरब रुपए का एक पैकेज बनाओ जिसमें से विफाक 200 अरब रुपए इमीडिएटली अप्रूव करें सिंधे, और 500 अरब अगर हम मास ट्रांसिट प्रोग्राम जिसमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, और ये ऐसा नहीं है तो अनोखी बात है, ये ऑलरेडी इसकी फिजिबिलिटी बनी हुई है, बहुत अरसे से पेंडिंग में है। नेमत साहब के जमाने में इस पर दोबारा से वर्क किया गया था, और इस वक्त भी कराची की ट्रांसपोर्ट के मसले का मुकम्मल हल ये है कि सिर्फ एक लाइन शाइन बनाने से मसला नहीं होगा, 4 बड़े कॉरिडोर है और उनको सर्कुलर रेलवे के जरिए से इंटरकनेक्ट किया हुआ है जिससे एक परमानेंट सोल्यूशन जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी। इसी तरह पानी जो K4 का मनसूबा है, इसकी फिजिबिलिटी के लिए कंपनी नेमत साहब ने हायर कर ली थी 2005 में, पूरे 5 साल MQM ने इस पर काम नहीं करवा सके, जरा सा भी आगे नहीं बढ़ा, मजीद नहीं करवा सके। और आज सूरत आ रही है कि जो मनसूबा 2009 में मुकम्मल होना था जिससे पहले 100 मिलियन गैलन और फिर 260 मिलियन गैलन पानी मिलना था, वो मनसूबा 2016 में शुरू हुआ है, अभी इब्तिदा कर रहे हैं शायद ये कुछ दिनों में कर दिया है, कर रहे हैं पूरा दिल्ली शासन, दूसरी तीसरी दफा करेंगे, 14 अगस्त को कर दिया, तो ये दूसरी तीसरी दफा इसका इफ्तिता हुआ है। अब FWO को मिला है, वो कहते हैं हम 2 साल में कर देंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि आबादी तो बढ़ रही है, 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंच गई है, तो ये ऐसा नहीं है कि हम गाफिल हैं। हमारा जो साइज है, हमारी जो नुमाइंदगी है, हमारे पास जो कुछ वसाइल है उसके मुताबिक हम उससे ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। हम बात ही आपसे ये कर रहे हैं कि हमारी आवाज ऊंची करने के लिए आप हमारा साथ दें, कोई आपका मुकदमा नहीं लड़ेगा। जमात इस्लामी को जब अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है छोटा सा भी, तो उसने अपने इख्तियार से कहीं ज्यादा डिलीवर किया। खान साहब के जमाने में भी आप ये सब लोग थे ना, ये सारे लोग काम करते रहे, ये जाहिद सही साहब भी थे, मुझे और भी नजर आ रहे हैं, साबिर साहब, राशिदपुरी, ये सारे लोग हनीफुल्ला अब मुंतखब हो गए, ये सारे लोग काम करते रहे, पहले माजी में काउंसिलर रहे, आप भी डिफेंस कोशिश करते रहे, ठीक है ना। हमारे मेहनती साहब यहाँ से MNA बने, एक आवाज, यानी हमारे 4 MNA थे और 400 लोगों के बराबर बात करते थे। अफगानी साहब जब थे तो हमने 8 साल में तामीर और तरक्की की। हम ये समझते हैं कि कराची के मसले का हल है इसकी नुमाइंदगी, और इसकी नुमाइंदगी जो है हाथ दिलाने के लिए आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, और ये दोनों सूरतों में होगा, आवाज से आवाज भी मिलाए, और जो अमीर साहब मोहतरम ने फरमाया है कि उसमें अपना ताउन भी करें। ये ताउन हम आपसे मांगते हैं तो अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे, और हमें कोई शर्म भी नहीं आती आपसे मांगने में। अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं दीन के लिए, मुल्क के लिए, शहर के लिए, आप दें, अल्लाह क्या कबूल होगा इंशाल्लाह, आपके लिए मांग रहे हैं हम आपसे, इसलिए हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर आप लोग अपना पूरा ताउन दामे दर में सुखने जमात के साथ करेंगे तो ये हकीकी आवाज यही है आपकी, और इंशाल्लाह हम उठाएंगे भी, बयान भी करेंगे। हमें इसके लिए वसाइल चाहिए कि हमारी मीडिया में आवाज गूंजे, हमें वसाइल चाहिए हम नेटवर्क बनाए जिसके जरिए से हमारी बात का इम्पैक्ट बने, तो इसके लिए बड़े वसाइल की जरूरत है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप वो काम करें, हमारा साथ दें, हम आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह, और आपके मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे।